Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about amendment of the constitution. इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है. नंबर टू, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किस तरह से किया जाता है. एंड नंबर थ्री, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने अब तक किए हुए हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है. जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज लाया जाता है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, उन चेंजेस को या उन बदलाव को ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था या अडॉप्ट हुआ था, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बहुत अलग था. लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ इंडिया एज अ ग्रोइंग नेशन बढ़ा है, या फिर जिस तरह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है, उसी तरह से हमारे कानूनों को भी बदलने की जरूरत रही है. तो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाती है, सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों की, देश के लोगों की जरूरतें बदलती जाती हैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन जरूरतों के हिसाब से चेंज किया जाता है, कानूनों में बदलाव लाया जाता है. और इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और सिर्फ 8 स्केड्यूल थे. लेकिन इन पिछले 75 सालों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 105 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं और इन 105 अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे टोटल आर्टिकल बढ़कर 470 हो चुके हैं, 22 पार्ट से 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 8 स्केड्यूल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब कुल मिलाकर 12 स्केड्यूल हो चुके हैं. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 368 के तहत हमारी पार्लियामेंट एक बिल लाती है जिसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. और इसी आर्टिकल नंबर 368 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुल मिलाकर तीन तरह से अमेंड किया जा सकता है. नंबर वन, जब हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 1/2. दूसरा तरीका, जब हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 टोटल मेंबर्स के 1/2 के जितना होना चाहिए. और तीसरा तरीका, जब पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से तो पास किया ही जाता है, लेकिन टोटल जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा हमारे देश में है, यानी कि स्टेट्स हमारे देश में हैं, उन स्टेट्स में वही बिल सिंपल मेजोरिटी से भी पास करवाया जाता है, जिसे हम रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स कहते हैं. यही तीन तरीके होते हैं आर्टिकल नंबर 368 के तहत, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और किसी भी तरह के कानूनों को बदला जा सकता है. अब अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. लेकिन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एग्जाम्पल हमें आज की तारीख में देखने को मिलते हैं, उससे हमें यह बात पता चलती है कि सोसाइटी की नीड के हिसाब से ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं. और जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स या जरूरतें बदलती रहती हैं, उसी तरह से हमने अपने कानूनों को भी बदला है. एग्जाम्पल के तौर पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे लिए, उनमें से है नंबर वन, आर्टिकल नंबर 21A, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, जिसके तहत ये इंश्योर किया गया था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इंडिया के, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. नंबर टू, 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, जिसमें हमने अपने गवर्नमेंट के ऑर्गन का थर्ड टायर क्रिएट किया था, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायत और नगरपालिका के नाम से भी जानते हैं. नंबर थ्री,
101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर जीएसटी काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा नंबर 4, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें हमने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया था। इसके तहत हमने अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर थोड़े से गरीब होते हैं या फिर फाइनेंशियली कमजोर होते हैं उनको रिजर्वेशन का इंश्योर किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब चाहें आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डेड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, चेंजेस बार बार लाए जा सकते हैं। That's why Indian Constitution is also known as living document of this country. अगर हम इसके अलावा और कुछ important Constitution amendment की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है number 1, first constitutional amendment 1951, जिसमें हमने 9th schedule of Indian Constitution बनाया था, जिसमें हमने land reforms को introduce किया था। और special बात यह है कि 9th schedule में जो भी सब्जेक्ट या अमेंडमेंट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अथॉरिटी से भी परे होता है। इसके अलावा 1956 में हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेकर आए थे, जिसमें हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को एस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, जिन्हें हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने अपने प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को एड किया था। यहां तक कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, जिसमें से हमने आर्टिकल नंबर 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट था, उसे हमने लीगल राइट में कन्वर्ट किया था। यहां तक कि 1989 में हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसमें वोटिंग एज को घटाकर 21 साल से 18 साल की उम्र कर दी गई थी। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया था, जिसे हम दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेके आई थी। इसके अलावा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, चाहे नगरपालिका पंचायत का हो, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन का हो, या फिर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 का, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हमें जानकारी दी, या फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009, जिसमें हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन की बात की। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहे हैं हमारे देश के, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसको और ज्यादा डेवलपमेंट का मौका मिला है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स अगर आप सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझना चाहते हैं, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।